हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन पेपर को। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर 2020 का है और इससे पहले हम लोगों ने 2019-18 के क्वेश्चन पेपर को भी देखा था। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एमएड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिपीट कर दिए जाते हैं। तो यदि आप एमएड को अच्छा करना चाहते हैं, एमएड एग्जामिनेशन में अच्छा करना चाहते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर को कर लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में सामान्य निर्देश वो थोड़े चेंज हो सकते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, लिखना है सुधा शब्द का अर्थ। अगला, ईश्वर का निज व सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है। अनादि शब्द का अर्थ लिखिए। वेद को प्रमाण मानने वाले किसका गान करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने किसे उपदेश दिया। राष्ट्रभाषा हिंदी की कौन सी लिपि निश्चित हुई। आप लोग 5 और 6 का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स। एंड यदि आप हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बता दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी कभी एमएड जो क्या करता है ना कि आपका जो सब्जेक्ट में खराब मार्क्स आता है उसे रिप्लेस कर देता है। ओके, लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ करके मैथ साइंस हिस्ट्री में कभी कभी रिप्लेसमेंट होती है। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस जो है 1-1 मार्क के हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन और ऐसे हैं जो 1-1 मार्क के हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया, पर्यावरण की शुद्धि के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है। 8वां, डीएवी गान में गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करता है। 9वां, प्रीति शब्द का अर्थ लिखिए। 10वां, डॉक्टर मेहरचंद महाजन की मृत्यु कब हुई। 1 मार्क का क्वेश्चन था। अब खंड ख देख लीजिए, सब 2-2 मार्क वाले हैं। वेद ज्ञान का घर घर में भर जाने से समाज को क्या लाभ होगा। गायत्री मंत्र का जप किस समय करने से वह अधिक लाभकारी होता है। डीएवी गान के प्रथम पद में कोई वर्णित 4 विशेषण लिखिए। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा लंबा लंबा आंसर्स नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 मार्क्स का है, 1 मार्क का है, तो ज़्यादा लंबा लंबा आंसर्स मत दीजिएगा, छोटा छोटा आंसर लिखिएगा। अधिक से अधिक 2 से 3 लाइन, 1 मार्क के लिए 2 लाइन, अधिक से अधिक वैसे 1 लाइन भी काफ़ी होता है। एंड यदि मैं बात करूँ 2 मार्क वाले की, तो 2 से 3 लाइन में बिल्कुल खत्म कीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ज़्यादा लिखने से देखिए नंबर ज़्यादा नहीं मिलता आप लोगों को, भले आपका टाइम वेस्ट होता है एंड एग्जामिनर को भी लगता है कि क्या इतना इतना लिख दिया था, ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा, खासकर लैंग्वेज सब्जेक्ट में। ओके, लैंग्वेज सब्जेक्ट और एसएसटी सब्जेक्ट एक ऐसा होता है ना जिसमें जितना पूछा जाए उतना ही लिखा जाए। ओके, स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट पर जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। यदि आप डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट में आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर एंड आप लोगों को वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनी चैप्टर अच्छे से मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर से जरूर विजिट करेंगे। अब खंड गा के क्वेश्चंस को देखिए। 16 क्वेश्चन में कहा गया, मां कदाचन और गृहिणी शब्दों के अर्थ लिखिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, ध्यान दीजिएगा, सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, डीएवी के 3 महान गुण लिखिए। डीएवी के क्या 3 महान गुण है ये आप लोगों को बताना है। सेवानिवृत्त होने पर डॉक्टर महाजन ने समाज की सेवा कैसे की। बीसवां क्वेश्चन देखिए, भारत भूमि को माता क्यों कहा गया है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 इन सारे का आंसर जो है कमेंट, सॉरी 5, 6 और 10 इन सारे का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब हम लोग खंड घा देखते हैं। खंड घा के जो क्वेश्चन है वो 4-4 मार्क्स वाले हैं। ओम के जप की लाभकारी विधि लिखिए। महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत के आजाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने से क्यों मना कर दिया या फिर क्यों नहीं दिया। 23, ब्रह्म यज्ञ की विधि लिखिए। वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था का संचालन कैसे हो रहा है।
चारों आश्रमों के नाम लिखकर उनकी आयु सीमा लिखिए। देखिए 25वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है, तो आप लोग 25वां क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन इन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। ओके 25वां और 21वां दोनों को, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। खंड अंगा में देखिए संस्कृत भाषा का अध्ययन समाज के लिए कैसे उपयोगी है, अथवा करके दिया गया है संस्कृत भाषा मानव मात्र की भाषा है कैसे, एक्सप्लेन कीजिए। ये अब जो भी 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये आप लोग जरूर से जरूर करके जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के, इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट्स, बट कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकते हैं, तो करके जाइएगा, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। आगे देखिए अस्थायी का अर्थ लिखकर इसके विभिन्न रूप लिखिए। अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं, इस कथन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, आपको वहां जाने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। यदि आप वहां विजिट करते हैं तो आपको डिफरेंट चीजें मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर ये सब मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां पर जरूर से जरूर जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा स्टूडेंट्स। अब 28वां क्वेश्चन देखिए, गीता में वर्णित तपों की व्याख्या कीजिए, ईश्वर भक्ति में आपके कर्म ईश्वर भक्ति आपके कर्मों से कैसे होती है, एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स के 5-5 क्वेश्चन होंगे, 3 हम लोगों ने देख लिए, 2 और होंगे पीछे, उन्हें भी देखते हैं। अब 29वां क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज का 7वां व 10वां नियम लिखिए क्या होता है, अब 5 मार्क्स मिलेगा खाली इसने ही लिखने पर आप लोगों को। अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण होते हैं या होने चाहिए। 10वें समुल्लास की व्याख्या कीजिए। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स आप लोग डीएवी क्लास सेट स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर जरूर विजिट कीजिएगा, जब स्पेशल प्लेलिस्ट पे विजिट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके और स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग 10 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर जरूर देख लीजिएगा, एंड यदि आप हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिख करके बताइएगा। यस लिखने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग यदि यस लिख करके बताएंगे तभी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। ओके चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में स्टूडेंट्स के साथ क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।